कॉलोनी काटने की अनुमति देने की एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत लेता डीपीपी यानी जिला नगर योजनाकार विक्रम सिंह रंगे हाथों पकड़ा गया। स्टेट विजिलेंस ने डीटीपी को सेक्टर 6 स्थित उसके आवास से शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया है। उसके ड्राइवर बलबीर को भी 5,000 रिश्वत लेते दबोचा है। डीटीपी के घर से 78.64 लाख रुपए आभूषण, कृषि भूमि, एक फ्लैट और 12 प्लॉट से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं। शेयरों, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। विजिलेंस ब्यूरो के एसपी राजेश फोगाट ने बताया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि गहन पूछताछ की जा सके। विजिलेंस टीम में शामिल निरीक्षक सचिन ने बताया कि पानीपत के रहने वाले परमजीत ने शिकायत दी थी कि वो कॉलोनाइजर है और कॉलोनी काटने की एवज में डीटीपी 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। कॉलोनी काटने से पहले डीटीपी की अनुमति जरूरी है। परमजीत ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विजिलेंस ने डीटीपी और उसके ड्राइवर को सुनियोजित ढंग से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। डीटीपी विक्रम करीब 4 साल से करनाल में तैनात है। डीटीपी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार करके विजिलेंस सेक्टर 7 स्थित अपने कार्यालय लेकर गई थी। इस बात की सूचना मिलने पर बूढ़ाखेड़ा के रहने वाले सत्यनारायण पांचाल दोपहर को विजिलेंस के कार्यालय के बाहर पहुंचे। यहां उन्होंने डीटीपी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बर्फी बांटकर खुशी मनाई। बिल्डिंग का काम करने वाले सत्यनारायण ने कहा कि उन्होंने बैंक से 15 लाख रुपए लोन लेकर अपने गांव में मकान बनाना शुरू किया था, जिसे डीटीपी ने बनने नहीं दिया। डीटीपी रिश्वत मांग रहे थे और रुपए ना मिलने पर 2 बार उनका निर्माण गिराया जा चुका था। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए डीटीपी विक्रम लंबे समय से चर्चा में थे। आरोप ये भी लगते थे कि जब डीटीपी को रिश्वत नहीं मिलती थी तो ही कार्रवाई होती थी। पिछले दिनों वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंद सिंह के साथ भी उनका कॉलोनी में निर्माण ढहने को लेकर विवाद हुआ था। कार्रवाई के बाद से शहर में अफवाह है कि डीटीपी के घर से 2.5 करोड़ रुपए भी बरामद हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विजिलेंस के इंस्पेक्टर सचिन का कहना है कि टीम घर के अलावा और भी कई जगहों पर जाँच कर रही है। 2.5 करोड़ रुपए बरामद होने की बात सिर्फ अफवाह है।